स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया में निकली आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने में मिलेगी। तो आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम को। तो बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है ऑल इंडिया की है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए अपलोड जो सर्टिफिकेट है आपका 1 MB का है PDF में, आपका जो फोटो साइज रहेगा वो 200 KB का रहेगा, ठीक है। सिग्नेचर भी यहाँ पे आपका JPG PNG में 200 KB का रहेगा। यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हो और ईमेल आईडी दे रखी है। तो यहाँ पे आपको ये इसको पढ़ सकते हैं, अगर आपको हेल्प है यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो रजिस्टर ना होने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ठीक है, थोड़ी देर हम वेट करेंगे जब तक ये आएगा। तो यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर पोस्ट सिविल के लिए ऑपरेशन की यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टेक्नीशियन की ये पोस्ट है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे आप सेलेक्ट कर ले जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे इसके अनुसार यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पे आप जो भर रहे हैं उसका नाम, जैसे कि मैं भर रहा हूँ तो एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, अपना नाम डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो आपकी ईमेल आईडी है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर इसके बाद कोई दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मेल फीमेल है जानकारी दे सकते हैं, कैटेगरी आपको बतानी जनरल आपको अपनी जानकारी देनी है, ठीक है। इनमें से देख सकते हैं नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आपको फिजिकली डिसेबल है यस या नो करना है, तो यहाँ पे परसेंटेज बताने हैं कितने परसेंट है और डिसेबिलिटी टाइप आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कौन सी वैकेंसी आपकी एलिजिबल है वैकेंसी, ठीक है। डिसेबिलिटी के यहाँ पे दे रखा, तो यहाँ पे देखते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका डेट कब इशू हुआ था, क्या आप एक्स सर्विस में यस या नो कर सकते हैं, आपकी पीरियड और सर्विस यहाँ पे बताना है, हैव यू आप सक्सेसफुली अंडरगोन अप्रेंटिस ट्रेनिंग यस या नो करना है, ठीक। इसके अप्रेंटिस ट्रेनिंग के आपको टेस्ट रेट बताना है, आपकी BCL ऑयल या किस में गई थी ये आप बताना है, ठीक है। इसके अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यहाँ पे अगर नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको बताना है रजिस्ट्रेशन है, ट्रेन के बारे में बता सकते हैं आप, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम आप बताना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बताना है इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, यहाँ पे एज जो है आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड, ठीक। तो फ्रेंड देखिए आपको OTP आपको सेंड किया जाएगा, आपकी ईमेल आईडी और यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेंड कर दिए गए OTP का आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर दोनों में किसी एक पे आ जाए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं मेरा OTP आ चुका है हेल्प डेस्क ऑल इंडिया का, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर यहाँ पे ही आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो एक बार चेक कर ले, 10 मिनट का समय दे रखा है, 10 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने OTP डाल दिया है, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। अगर आपको ईमेल आईडी पे नहीं अपने मोबाइल पर से दे सकते, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को बताया, ईमेल आईडी आप चाहे तो किसी में से किसी एक में यूज कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल या आपका ईमेल आईडी से। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी जो डिटेल है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक। आपको नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पहला जो डिटेल है कंप्लीट हो चुका है, रजिस्टर इन्फॉर्मेशन बेसिक डिटेल पे आएंगे। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपको फादर नेम मदर नेम मैरिड है सिंगल है जानकारी देनी है, ठीक है, इस तरीके से। एड्रेस यहाँ पे आपको बताना अपना जो एड्रेस है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका करके आपका सिटी आपको बतानी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, वो यहाँ पे जानकारी देनी है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप दे देंगे। इसके बाद पिन कोड यहाँ पे देंगे, आपके दोनों सेम होने पर यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो अलग अलग पूरी जानकारी देंगे फिर से, ठीक। यहाँ पे आपको इकोनॉमी सेक्टर है यस या नो कर सकते हैं, इकोनॉमी सर्टिफिकेट यहाँ पे देना है, डेट ऑफ इशू कब हुआ तो उसके बारे में जानकारी, इकोनॉमिक सर्टिफिकेट की यहाँ पे फोटो अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं है सिंपली नो कर दें और इस तरीके से यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ठीक। तो देख सकते हैं फ्रेंड मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे डिटेल है उनको फिल करें अपनी। अब फ्रेंड हम तीसरी स्टेप पे आ चुके हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको हाई स्कूल की डिटेल देनी है, बोर्ड का आप बताने जिस बोर्ड से क्या CBSE या SC बोर्ड या स्टेट बोर्ड है बताएं, सब्जेक्ट क्या थे यहाँ पे बता सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपकी क्या थी, परसेंटेज क्या थे, यहाँ पे आपको PDF यहाँ पे देनी है, ठीक है, इस तरीके से।
इसके बाद यहाँ पे आपका ITI सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपको बताना डिप्लोमा आपका बोर्ड है इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, जिस बोर्ड या इंस्टीट्यूट से किया है आपको बताना है, किस आपने कैटेगरी में किया था फिटिंग, यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया उसी के अनुसार यहाँ पे देखने मिल जाएगा आप किस सन में किया था वो जानकारी देनी है, डिप्लोमा यहाँ पे परसेंटेज बताने उसकी यहाँ पे आपको देखना है तो अपलोड करना है PDF, ठीक है। 1 MB का साइज रहेगा, 7 कंटिन्यू पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, इसके हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन रह जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड यहाँ पे इसके मैं डिटेल देने के बाद यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपको देखिए मेरी फोटो सिग्नेचर 200 KB का रहेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं डेट ऑफ बर्थ का, मैं हाई स्कूल का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है तो वहाँ पे इसका अपलोड करना है, आर यू एम्प्लॉयड यस NO पे क्लिक करेंगे तो उसका आपका NOC होना चाहिए, अगर नहीं है तो उस पर क्लिक कर दें, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में प्रीव्यू और सबमिट में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक। तो यदि डिटेल में आपको उसकी वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ तो फ्रेंड यहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसमें आपकी ऑल इंडिया की वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा, कौन कौन सी वैकेंसी किस आपका डिसेबिलिटी के लिए टाइप के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है पूरा चार्ट, ठीक है। इनको पढ़ सकते हैं, मैंने आप बोलेंगे तो इनका नोटिफिकेशन का कंप्लीट वीडियो बता दूंगा, 18 से लेकर 30 आयु दे रखी है, ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। फ्रेंड यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई के बारे में भी यहाँ पे आपको दे रखा है, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं वो उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे पूरी इमेज के द्वारा आपको जानकारी दे रखी है, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के हेल्पफुल हो जरूर बताएं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल लर्निंग टाइम को, आप चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, अगर किसी को फॉर्म भरने में या कोई भी तकलीफ होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा, ठीक। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल प्रिंट एप्लीकेशन मेक पेमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने धन्यवाद, जय हिंद।